नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 14 मई से लेकर 20 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और सितारों के मुताबिक आपको भविष्यफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं कैसा रहेगा आपका भाग्य 14 मई से लेकर 20 मई तक। और बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं, जहां नवम भाव का चंद्रमा भाग्य में उन्नति दे रहा है, वहीं पे यह संतान के भी सुख को बढ़ाने वाला है। संतान से प्रसन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा इस सप्ताह। हाँ, एक बात जरूर है कि गर्मी को लेकर के थोड़ी सी शिकायत हो सकती है, गर्मी अधिक परेशान कर सकती है मेष राशि के लोगों की। अब रही बात हमारे किसान भाइयों को बताऊँ, चूँकि वर्तमान में नवम भाव में चंद्रमा शनि के साथ गोचर कर रहा है, शनि चंद्रमा की जो युति है यह कहीं ना कहीं किसान भाइयों को जल की समस्या से परेशान कर सकती है। मतलब किसान के खेतों तक कभी पानी नहीं पहुंचा है इस सप्ताह, न पहुंचने के कोई प्रबल योग दिखाई भी दे रहे हैं। आपका शुभ अंक 9 और शुभ रंग है पीला, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका पीला है। अगली राशि की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पंडित जी से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको बताना होगा जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, सवाल के साथ आप हमें लिख कर भेज दीजिए। बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा 14 मई से लेकर 20 मई तक? वृषभ राशि के दर्शकों को बताऊं कि वर्तमान में स्थानीय स्तर की जो राजनीति होती है उसमें लाभ मिलने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। मतलब निकाय चुनाव, सरपंच के चुनाव, इस तरह के जो है चुनाव में इन्हें लाभ होता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का भी इन्हें पूर्ण सहयोग मिलने वाला है और उनका परिपूर्ण प्रेम भी इन्हें प्राप्त होगा। हाँ, इतना जरूर है कि बाहरी संबंधों में थोड़ी सी सावधानी इनसे अपेक्षित है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए पूरा सप्ताह आराम का है, बहुत अधिक व्यस्तता नहीं है, आप खाली हैं, तो इस खाली समय का आनंद लीजिए, आराम करिए। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है नीला, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो शुभ अंक आपका 8 है और शुभ रंग आपका नीला है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? सप्ताह के शुरुआत में मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा व शनि की युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं से व्यापार को लेकर के यह समय बहुत अच्छा नहीं है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रहेगा। अच्छी बात यह है कि सप्ताह शत्रु पक्ष, विरोधी पक्ष जो आपका है वह प्रभावहीन रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह ठीक रहेगा। रही बात किसान भाइयों की, किसान भाइयों को बताऊँ कि साझेदारी के मामले में थोड़ी सी आप सावधानी रखें। जो भी खेती का काम, कृषि कर्म आप किसी साझेदार के साथ मिलके करते हैं, उसको थोड़ा सावधानी से रखें, उसका हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ अंक आपका है 7 और शुभ रंग है सफ़ेद, दोनों चीज़ों को जरूरत पड़ने के हिसाब से आप उसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो शुभ अंक आपका 7 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं पूरे सप्ताह के लिए? कर्क राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस समय इनके छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से अच्छे संकेत नहीं है, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि मंगल इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जो कि अभी अगले 9-10 दिन 12 दिन रहेगा, तो आय में भी थोड़ी सी रुकावट होगी, माने आय स्रोत में भी बाधा होगी, लेकिन डरिए नहीं, आय स्रोत बाधा के बाद भी आपको आय मिलती रहेगी, आपकी आमदनी जारी रहेगी। आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आप समस्त बाधाओं से
पार पा जाएंगे। रही बात किसान भाइयों की, तो बताऊं किसान भाई इस सप्ताह अपनी फसल अभी उधार बेचनी पड़ सकती है, मतलब फसल तो बेच देंगे लेकिन मूल्य अभी नहीं मिलेगा, मूल्य प्राप्ति में विघ्न दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपका है 6, अशुभ रंग है गुलाबी। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस सप्ताह कर्क राशि वालों का शुभ अंक 6 है और शुभ रंग आपका गुलाबी है। बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा सप्ताह? सिंह राशि के दर्शकों को बताऊं कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल दशम भाव पर होने से व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाँ, नौकरी पेशा के लोग अपने काम पर, खास करके अपने ऊपर के अधिकारियों के दिशा निर्देशों का बिल्कुल अक्षरशः पालन करें, नहीं तो संकट खड़ा हो सकता है उनकी नौकरी में। प्रभाव में भी आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी यदि आप इन अनुदेशों का पालन करते हैं, सफलता भी मिलेगी। हाँ, रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस समय अपनी खेती को लेकर के थोड़े से असमंजस की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, आगे भविष्य में कैसे क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाँ, इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 5, अशुभ रंग है हरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों का शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है आपका हरा। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आगे की राशियों की, साथ ही आपको बताएंगे कि कब आती है कुंडली में वो स्थिति जब नहीं हो पाता विवाह, क्यों विवाह में रुकावटें आती हैं ये भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो आप क्या उपाय करके ये रुकावटें खत्म कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर आपके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो क्यों वो बाधाएं आ रही हैं और क्या इनके निवारण के उपाय हो सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा 14 मई से लेकर 20 मई तक? कन्या राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिससे इनका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और भाइयों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जो भी इनके विरोधी हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, वो समस्त लोग इनके सामने नतमस्तक होते दिखाई देंगे। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई अपने फलों की जो खेती करे हैं, फलों के, फसल के पूर्ण लाभ को प्राप्त करेंगे। फल की खेती इनके लिए शुभ होगी इस सप्ताह। शुभ अंक इनके लिए है 4, अशुभ रंग है स्लेटी। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वालों का शुभ रंग स्लेटी है और शुभ अंक आपका 4 है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि विवाह में बाधाएं कब आती हैं, कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं जो कुंडली को प्रभावित करते हैं और विवाह में रुकावटें आती हैं, और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं कि विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशिफल भी बताएं। तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में होने से वाहन आदि सावधानी से चलाने की स्थिति दिखाई दे रही है, अन्यथा वाहन से दुर्घटना के योग आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह चोट भी लग सकती है। हाँ, एक बात और, थोड़ा सा आपको इस सप्ताह आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी अधिक है, जिम्मेदारियों पर खर्च भी अधिक करना पड़ सकता है और आय उस हिसाब से थोड़ा कम है। रही बात किसानों की, तो किसान भाइयों को बताऊं कि इस सप्ताह इन्हें सरकार से सहयोग मिल सकता है और सरकार के सहयोग से अपने बड़े काम को भी बड़े आसानी से ये इस सप्ताह कर लेंगे। शुभ अंक आपका है 3 और शुभ रंग है आपका पीला। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक 3 है और शुभ रंग आपका
पीला है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले बात करते हैं अविवाहितों की। आप लड़की हैं चाहे लड़का है, विवाह के योग्य हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। कुंडली में कौन से योग हैं जो आपके विवाह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, कौन से ग्रह हैं जो कमजोर हैं और उससे विवाह नहीं हो पा रहा है, सब कुछ जानते हैं पंडित जी से, साथ ही जानते हैं रुकावटों को खत्म करने के उपाय भी। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लड़की लड़के विवाह के योग्य होते हैं, चाहते भी हैं शादी करना लेकिन शादी नहीं हो पाती है। कुंडली में किन ग्रहों का ये प्रभाव होता है जो विवाह नहीं हो पाता है, और कौन सी वो उपाय हो सकते हैं ज्योतिष के जो इन रुकावटों को खत्म कर सकें, सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। स्मिता जी, कुछ भी विवाह पे चर्चा की जाए उसके पहले ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा है उसको बता देता हूँ। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है पूर्व जन्मस्य या विद्या, पूर्व जन्मस्य या नारी, अग्रे अग्रे धावती। मतलब पूर्व जन्म की विद्या और पूर्व जन्म का आपका जीवन साथी, वह सदैव आपके आगे आगे चलता है। मतलब मनुष्य का जन्म तो बाद में होता है लेकिन वो चीज़ें उसके पहले ही आती हैं, पहले ही से ही सुनिश्चित हो जाती हैं। इसलिए किसका विवाह कब होगा, किससे होगा, ये सब पहले से सुनिश्चित होता है। और यह योग्य ज्योतिषी दैवज्ञ जो है आपकी जन्म कुंडली को देख करके लगभग लगभग ठीक ठीक बता भी सकता है। किसी भी पुरुष की कुंडली में कैसा उसका जीवन साथी होगा यह देखने के लिए शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए, शुक्र के साथ साथ सप्तमेश और सप्तम भाव को। वहीं पर यदि आप महिला की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी चंद्र कुंडली का अध्ययन करिए। चंद्रमा शुक्र इन दोनों का सम्यक अध्ययन करके ही किसी महिला की कुंडली में ये बताना चाहिए कि इसका वर कैसा होगा, इसका विवाह कैसे व्यक्ति से होगा, कब होगा। और मंगल से क्वालिटी ऑफ मैरिज माने विवाह की गुणवत्ता किस तरह से उसके जीवन साथी के साथ उसकी समझ बूझ होगी यह बताता है मंगल की स्थिति किसी भी कन्या की कुंडली में। हमने अक्सर देखा है कि जब मंगल पीड़ित होता है किसी महिला कुंडली में, मान लीजिए शनि के साथ है, बारहवें भाव में बैठा है, राहु से विद्ध है, इन तमाम ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो कि विवाह में काफ़ी विलंब कराती हैं, खास करके महिलाओं की जब 28-30 साल हो जाती है उसके बाद ही जा करके कहीं विवाह हो पाता है, यदि ऐसी कुंडलियाँ में स्थिति दिखाई देती है। रही बात पुरुष की, तो पुरुषों कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित हो जाए, खास करके शुक्र नीच का हो, कन्या का हो, शुक्र राहु से ग्रस्त हो, तो ऐसे में प्रेम भी नहीं होता और विवाह भी नहीं होता। मतलब जीवन कहीं ना कहीं रूप से शून्यता की ओर बढ़ते जाता है, प्रेम और सौंदर्य का जीवन से बिल्कुल समापन सा हो जाता है यदि ये स्थिति किसी भी पुरुष की कुंडली में दिखाई दे, खास करके यदि शनि की भी दृष्टि शुक्र पर आ जाए, क्योंकि शनि चीज़ों को जलाता है, नष्ट करता है। अगर शनि की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से व्यक्ति पीड़ित होता ही होता है, पूरे दावे के साथ कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब रही बात उपाय की, तो दो अलग अलग उपाय हैं, कन्याओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। यदि कोई कन्या अपने मनवांछित पति की कामना करती है तो उसे कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। मंत्र भी बता देता हूँ, मंत्र नोट कर लें और उसे यदि श्रद्धापूर्वक वो जप करती हैं कमलगट्टे की माला पे, तो निश्चित रूप से उनके मनवांछित वर की उन्हें प्राप्ति होगी। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति मे कुरुते नमः। मतलब ये प्रार्थना है कि हे माता, मुझे नंद के पुत्र के जैसा पति दो, मनंद का पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके जैसा मनोहारी मुझे पति मिले, ये प्रार्थना है, ये मंत्र है। इस मंत्र का यही प्रभाव होता है कि कन्या के मन के अनुरूप उसे वर की प्राप्ति होती है। और यदि पुरुष के कुंडली में ये चीज़ है तो पुरुष को क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ, उस मंत्र को नोट कर लें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम। मतलब ऐसी पत्नी दो माँ कि जो मेरे मन के अनुरूप आचरण करने वाली हो, मेरे कुल खानदान का मान सम्मान बढ़ाने वाली हो, ऐसी स्त्री मुझे आप प्रदान करें। तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, अगर आप अविवाहित हैं, आप लड़की हैं या लड़का हैं, दोनों के लिए आपको मंत्र भी बताए हैं, आराधना भी आपको बताई है कि लड़कियों को करनी है कृष्ण जी की और माँ कात्यायनी की आराधना, और लड़कों को करनी है माँ दुर्गा की आराधना। मंत्र भी आपको पंडित जी ने बता दिया, अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो ये मंत्र आप अपनाएं, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल भी बताएं। वृश्चिक राशि के लिए इस समय स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं है।
क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने लिए खुद समस्या खड़ी कर रखी है। इन्होंने किसी को ऐसी कड़वी बात कह रखी है पीछे, जिसका दुष्परिणाम इन्हें इस सप्ताह झेलना पड़ सकता है, और उसका दुष्परिणाम ये होगा कि इन्हें इस सप्ताह बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, आपके सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहा है और मंगल पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को, मतलब वृश्चिक राशि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आप तमाम संकटों से निकल जाएंगे और सप्ताह के अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो कि अभी तक दालों की बुआई नहीं किए हैं, वो इस सप्ताह कर लेंगे। दलहनी फसलें आपको लाभ देने वाली हैं, आप उसकी तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग है आपका सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका सफेद है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की 4 राशियों की, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्रीन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 14 मई से लेकर 20 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, चाहें तो आप हमें कॉल करके भी अपना सवाल बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको देना होगा जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि लग्नस्थ चंद्रमा स्वास्थ्य को ठीक करेगा, शरीर को अच्छा करेगा, और यह भाग्य में भी उन्नति कारक होगा, सहायक होगा, और जिससे आपके प्रगति के योग बन रहे हैं। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भी इस सप्ताह गेहूं की फसल से अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे और उन्हें आर्थिक उन्नति उनकी दिखाई देगी। शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है मैरून। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग मैरून है। चलिए अगली राशि की बात भी कर लेते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। पंडित जी मकर राशि के लिए क्या है खास इस सप्ताह? मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि आपके द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो कहीं न कहीं अधिक खर्च की स्थिति दिखाई दे रही है, आपको खर्च अधिक करना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मतलब संतान के प्रति आपको अब जिम्मेदारी आपकी कम होगी। नए कार्यों में, योजनाओं के बारे में चर्चा होगी और वो चर्चाएँ सभी सार्थक और सफल सिद्ध होंगी। लाभदायी समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपका है 3 और शुभ रंग है आपका सुनहरा। तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। कुंभ और मीन राशि की बात करें, उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है जितेंद्र कुमार जी का, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1971, जन्म का समय है 5:33 शाम का, और स्थान है इनका संगरूर पंजाब का। ये जानना चाहते हैं कि ये एक साल पहले अपनी फैमिली से अलग हुए थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, एक साल हुआ जब ये सेपरेट हुए हैं, फिलहाल ये बेरोजगार हैं, पिछले एक साल से दिन बहुत खराब ही अपने बता रहे हैं, कैसा इनका भविष्य रहेगा और हालात कब तक सुधर पाएंगे? देखिए मैं बताऊं कि 14 फरवरी 2016 यह समय इनके लिए वहीं से खराब होना शुरू हुआ है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर सातवीं पड़ रही है, जिसके कारण से शुक्र कुछ भी इनके जीवन में अच्छा करने में असमर्थ है और उसी की अंतरसा चल रही है। तो अभी मैं बताऊं जितेन जी, अभी आप लमसम 3 वर्ष अभी आप इस तरह से परेशान रहेंगे, उसके बाद ही कहीं जा कर के आपके जीवन में उजाला दिखाई देगा। और रही बात परिवार से अलग होने की, तो परिवार से अलग होकर के आपने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसी स्थिति थी कि आप हो गए, कहीं ना कहीं से एक लहजे से वो ठीक ही है। आप आज भले कष्ट में हैं, लेकिन मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2.5 से 3 साल के बाद जब शनि धनु राशि से मकर राशि में पहुँच जाएगा, उसके बाद आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्ट बाधाएं दूर चली जाएंगी, आपके जीवन में सुख शांति वैभव का वर्षात होगा। थोड़ा सा ये 2.5 से 3 साल का समय आपके लिए कष्टकारी जरूर है, इसको काट लीजिए। 2 उपाय बताता हूँ, आप जरूर कर लीजिए। 1
तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि छठे नीच राशि का सूर्य बैठा है। सारी समस्या की जड़ वही है कि आप कभी अपनी बात अपने विरोधियों के सामने कह नहीं पाते, हर समय खड्यंत्र के शिकार होते हैं सदा से। ये आपके साथ होता रहा है और भविष्य में होता रहेगा। इससे बचने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। एक बेल की जड़ गुलाबी धागे में रविवार के दिन अपने दाहिने बाजू में आप धारण कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा का नियमित 11 पाठ करना आरंभ कर दें, आपके जीवन में चमत्कार होने आरंभ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जितेंद्र जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और पंडित जी के बताए हुए उपाय शायद आपकी इस मुश्किल की घड़ी में कुछ मददगार साबित हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक? कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि व्यापारिक निर्णय समय पर लेने होंगे, क्योंकि यदि आप समय पर नहीं लेते हैं तो लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचे कामों में आपको मनचाही सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, आप बस केवल प्रयास कर दीजिए। साहस पराक्रम इन चीज़ों में भी आपके वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके एकादश भाव में चंद्रमा और शनि दोनों विराजमान हैं, इसलिए लाभ तो मिलेगा लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट के बाद, मतलब प्रथम प्रयास के बाद दूसरे प्रयास में आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग है आपका सफ़ेद। तो कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है। जान लेते हैं अगली राशि मीन राशि का क्या रहेगा शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल इस सप्ताह कैसा रहेगा और शुभ अंक शुभ रंग इनके लिए क्या होंगे? मीन राशि के दर्शकों को बताऊं कि आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, मतलब भाग्य से सारा कुछ काम बन जाएगा, बहुत प्रयास की भी आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। विशेष लाभ भी आपको मिलेगा, कहीं से अचानक आपको धन मिल सकता है जिसकी कल्पना खुद आपको भी ना हो। नौकरी पेशा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ, किसान भाई अपने नए कृषि कार्य को लेकर के दुविधा में रह सकते हैं, अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ किस रास्ते पे जाने पे में लाभ होगा और कहाँ किस रास्ते पे जाने पे कम लाभ होगा। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है लाल। तो मीन राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है और 12 राशियों के लिए क्या शुभ अंक शुभ रंग रहेंगे, कैसी 12 राशियों की चाल रहेगी 14 मई से लेकर 20 मई तक, सब कुछ पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। जी, धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ, साथ ही होंगे आपके सवाल भी। अगर आप भी कार्यक्रम में कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए या कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते नमस्ते।